में हमारे पास एक कुलिया है a प्लस बी इंटू इंटू ए माइनस बी, तो ये हमेशा बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि 3 का माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये स्क्वायर में कट गया, तो ये 9 माइनस 3 6 आंसर। क्वेश्चन 4 का जो 2 है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्क्वायर का फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला है, हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब किस तरह हल करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि 5 अंडर रूट स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए की वैल्यू आ गई और ये बी की वैल्यू प्लस बी का स्क्वायर, ये बी की वैल्यू का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट गया, यह आ गया 5 प्लस 2। अब ये रूट में है तो अंडर रूट में आप दोनों रुकूम वैल्यूज लिख दें, प्लस यहाँ पे अकेला 3, तो 5 प्लस 3 कितना आ गया 8 प्लस 2 और अंडर रूट में क्या आ गया 15, ये आपके पास आंसर आ गया। अगर यूं ना करना चाहें तो आपके पास एक चॉइस भी है, यूं भी आप हल कर सकते हैं। देखिए 5 अंडर रूट है प्लस 3 अंडर रूट होल स्क्वायर, आप इसको यूं लिख दें। सॉल्यूशन, स्क्वायर का मतलब है ये दो मरतबा है, ये रकम कितनी मरतबा, दो मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले आप 5 अंडर रूट को मल्टीप्लाई करें 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट से, फिर प्लस 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट से। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको दोनों मेथड से समझा रहा हूँ, जो आपको आसान लगे वही कर लीजिएगा। अब ये 5 से 25 अंडर रूट आ गया। ठीक है, या आप यूँ भी लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट एक जैसे हैं तो 5 अंडर रूट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पास चॉइस हैं, ये लिखें या वो लिखें। अगर यूँ करेंगे फिर भी तो 5 का हमें अंडर रूट 25 का लेने का पड़ेगा, वो 5 ही आएगा। अब ये 5 3 15 अंडर रूट आ गया, अब ये मल्टीप्लाई होगा 3 5 ये भी 15 अंडर रूट आ जाएगा। अब ये 3 अंडर रूट ये कितना आ जाएगा 9 अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए 25 का अंडर रूट क्या आएगा, 5 आता है हमेशा। ये 15 अंडर रूट ये 1 और 1 ये 2 है, हम लिखेंगे 2 15 अंडर रूट। ठीक है, अब ये 3 9 का अंडर रूट 3 आ गया, 5 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, प्लस 2 15 अंडर रूट। देखें इस तरह भी आप कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। जो नंबर 3 है, ये हमारे पास एक फार्मूला है, इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम एक जैसी रकम है। तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर यानी कि पहली रकम जो पहली वैल्यू है 5 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला आगे ये वाला 3 अंडर रूट का होल का स्क्वायर, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया 5 माइनस 3, तो ये आपके पास 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो नंबर 4 है हमारे पास, ये हमारे पास पे वही फार्मूला है, इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट होल का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है 1/3 अंडर रूट होल का स्क्वायर, तो ये 2 अंडर रूट स्क्वायर कट गया, ये 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 3 अंडर रूट स्क्वायर 2 से ये कट गया, तो 2 माइनस 1/3। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे 3 का, 3 2 6 माइनस 3 से 3 जब डिवाइड करेंगे 1 आता है, तो 1 तो 6 माइनस 1 5/3। अगर आप इनको डिवाइड करके लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, ये डिवाइडेड बाय 3 तो 3 1s are 3 तो 2, तो अब इसको इस तरह आंसर लिखा जाता है। ठीक है, यूँ आप लिखेंगे मजमू के तौर पर 1 प्लस 2/3, यूँ आप सही में भी आंसर लिख सकते हैं, या ये लिखते हैं या ये लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो नंबर 5 है, देखें ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला है कौन सा, इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू है ये बी की, ये ए की वैल्यू है ये बी की, हम लिखेंगे एक्स अंडर रूट स्क्वायर होल माइनस वाई अंडर रूट होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ना बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, लिहाजा ये गौर करें इस क्वेश्चन पे, ये रकम ऐसे आएगी एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से देखें ये अंडर रूट स्क्वायर कट गया, क्या बच गया एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ये रकम बची है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर फार्मूला है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यही वाला फार्मूला देखें आपको नज़र आ रहा है,
ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू में है ए स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये रकम, ये वाली रकम यहीं पे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोबारा देखें ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हम लिखेंगे बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिखते हैं एक्स होल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू ये बी की, ये ए की वैल्यू ये बी की, तो ए की वैल्यू एक्स का स्क्वायर थी, ये फार्मूले वाला स्क्वायर आ गया, माइनस ये वाई की वैल्यू थी यानी कि बी की वैल्यू, ऊपर फार्मूले वाला स्क्वायर, तो ये एक्स का टू टू ज़ार फोर माइनस वाई का स्क्वायर, ये टू टू ज़ार फोर, ये आपके पास आंसर आएगा।